मोहम्मद दाऊद नाम है और 1984 के डाउ के ग्रेजुएट हूँ। वो ज़माने और उस ज़माने में बड़ा वक्त गुजर गया है। अब आप कह रहे हैं कि यादें बताएं क्या हैं, बहुत सारी यादें हैं। यार दोस्त होते थे, जमीयत के अंदर हम होते थे, हमारे जो सीआर थे वो हनीफ साहब थे, और फिर हम लोगों ने पेशेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन्होंने और असलम लद्दा के साथ हम लोगों ने बनाई थी, और बहुत सारी और ये थे कि वहाँ के जो यार दोस्त होते थे, आराग ऑडिटोरियम में जो हंगामा होता था, शाबू की बड़ी यादें थी, और वो अपने जब हम डायसेक्शन वगैरह करते थे तो जो टीचिंग वगैरह होती थी और जो सीनियर लोग होते थे जो उनके साथ मज़ा आता था, तो वही सब यादें अब आप जो अगर इसमें बना रहे हैं तो एक दो हम आपको बताते हैं। आपको अगर याद है कि एक होते थे भुट्टा साहब जो सिंध मेडिकल कॉलेज से आते थे, वहाँ पर एक दोस्त होता था नदीम, बहुत शरारती था, बहुत शरारती था, तो वो सब वो पढ़ा रहे हैं, जैसे उनकी फेस दूसरी तरफ होता था ब्लैक बोर्ड की तरफ, तो वो कहते नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो पूरी क्लास भुट्टा, तो वो हो या उनको जो गुस्सा आ रहा था मैं क्या बताऊँ। अच्छा उसी के साथ एक दोस्त होता था उसका स्माइल, अच्छा पीछे आपको पता है शायद याद नहीं कि धोबी गार्ड होता था एक, तो धोबियों के साथ एक हमेशा चपकलिश रहती थी, कभी बॉल चली गई तो बॉल उन्होंने रोकी, तो वहाँ से वो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो निकाल के ले आए क्या कहते हैं उनकी साइकिल। अच्छा आपको पता है आरागा ऑडिटोरियम में कैसे वो नीचे जाता है ऊपर से, तो वो भी क्लास की सीट थी जाफरी साहब की क्लास थी जो बायोकेमिस्ट्री, वो इतने ख़तरनाक आदमी, तो उसको हमने कहा कि अगर तेरी इतनी हिम्मत है तो जाफरी साहब से पंगा ले भाई, तो वो बाइक लेके आया और चला, और वो उसने 3 साल तक बायोकेमिस्ट्री में अटका रहा, वो 3 साल, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। अब बड़े बड़े वाक्य होते, समद साहब थे आपको याद है, तो समद साहब जो थे अब दो सब्जेक्ट होते थे, तो एक हमारा दोस्त था माजिद, तो उसकी पोजीशन आई थी तो हम उससे ये, अच्छा उनका हमसाया भी था, तो हमारा दोस्त कहता था भाई यार मुझे याद है तू सब्जी की दुकान पे गया था उनके घर के लिए सब्जियां तू उठा रहा था, तो ऐसे ऐसे वाक़ात सुनने में आते थे। तो फिर जमीयत के बड़े वाक़ात थे कि भाई जब NSF जीत जाती थी तो भाई अब उनके जो ओथ सेरेमनी है उसको हम कैसे ख़राब करें, तो भाई इस तरीके से वो पूरी मीटिंग होती थी, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको याद आती हैं। फिर उन्होंने एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया कि हम पूरा पैनल जीत गया, अब यहाँ पे सब लोग गुस्से में बैठे हुए ये पैनल पूरा का पूरा कैसे जीता है, तो कहने नहीं यार इनको ओथ तो लेने देना ही नहीं है, अब प्रिंसिपल भी आ गया, सब लोग बैठे हुए हैं कि भाई अब होगा उसे, और वहाँ जमीयत के हम लोग पहुँच गए, वो हंगामा, तो उनको ओथ नहीं लेने दिया, तो वो ये ऐसे वाक़ात याद रहते हैं। फिर ये था कि आपको याद है कैंटीन के अंदर जो ऊपर जगह थी, चाय चल रही होती थी, क्या मज़ा आता था, पेटीज होती थी, चाय होती थी। अच्छा एक और बड़ी बात है, हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनकी आशिकी हो गई थी, लेकिन लड़कियों को ये नहीं पता होता था कि आशिकी हुई है भी कभी नहीं, 5 साल गुजर गए शादी दूसरी जगह हो गई लेकिन वो आशिकी रहती थी, तो ये ऐसे वाक़ात हैं कि जो आदमी भूलता नहीं है। फिर हमारे कुछ दोस्त और भी होते थे, एक हमारा दोस्त था, हम लोग जब ये इसमें गए थे अपने हाइजीन टूर जो होता था, हाइजीन टूर के ऊपर वो उसमें बैठे हुए थे एबटाबाद के अंदर जो अयूबिया के अंदर जो रेल चलती, उसको वहाँ हो गया कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, अपने दोस्त के साथ कहते थे चल भाई यहाँ से छलांग लगा देते हम दोनों, और वो उसको घसीट रहा है, वो उसको पकड़े हुए बैठा हुआ है, और हम दूसरे से देखे भाई वो क्या रहा है यार। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जो कि याद आती है तो आदमी बड़ा वो करता है। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये है कि फिर एक लंबी दास्तान है कि यहाँ आने का सोच रहे थे, तो यकीनी बात है यहाँ आने के लिए आपको स्कोर भी चाहिए होता है और पैसे भी चाहिए होते हैं, तो एक अलग दास्तान, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये एक मरहला था जो दूर हो गया। फिर यहाँ से रेजिडेंसी वगैरह की, फिर रेजिडेंसी करके एक दफ़ा क्या हुआ कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस में थे, तो हमने कहा यार वहाँ बहुत काम हो गया, तो हमने कहा यार किसी ग्रुप के साथ जाना चाहिए, तो हम तलाश कर रहे थे, तो हमें फिर पता चला कि एक ग्रुप है डिकेटर के अंदर, तो उस वक्त हमारे दोस्त हसनैन की कॉल आई कि भाई यू नो मैं तो पाकिस्तान से ही हूँ, तो वो अब ये अब मैं आजकल यहाँ डिकेटर के अंदर हूँ, और माशाल्लाह हम लोगों के
चार पार्टनर्स हो गए, तीन हम सब पाकिस्तान से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी बहुत अच्छी है, तो ये है कि ये वक्त जो है ऐसी तेज़ी से गुजरा है कि पता भी नहीं चलता कि इतने अरसे से यहाँ हो गए। 16 साल गुजर गए यहाँ पे और अमेरिका में पूरे 30 साल हो गए। पहले मैं न्यूयॉर्क, अब ये मैं इलिनॉय के अंदर हूँ, डिकेटर के अंदर। पहले मैं न्यूयॉर्क में होता था, फिर मैं वर्जीनिया गया, वर्जीनिया में रहा, और अब ये कि आखिरी जो मराहल गुजर रहे हैं वो इलिनॉय और डिकेटर के अंदर गुजर रहे हैं। तो माशाल्लाह अच्छा वक्त गुजर गया है। ये कि यार दोस्तों से मुलाकात होती है कभी कभार कराची जाने के बाद, तो पुरानी बातें आती हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो अब ब्रिगेडियर थे आर्मी के अंदर, वो अभी रिटायर हुए हैं, तो माशाल्लाह हम उनके घर जाओ तो एक हल्ला गुल्ला रहता है, 10-12 लोग जमा हो जाते हैं। बस यही यादें रह गई अब के कम, जितने लोग जमा हो सकते हैं हो जाते हैं, किसी की शादी के अंदर जमा हो गए, किसी बच्चे की शादी में, तो इस तरह एक वक्त गुजर गया है।